In a first for the state, a building company is providing a unique service for those suffering from flooding or having their houses below road levels. House lifting company HSBL Building Solution Private Limited has brought this technology to Goa with a pilot project in Kundai. The company says the lifting of a house can be done with just 25% of the cost involved in reconstructing a house. Watch. आज आम्ही कुणा एक इंडस्ट्री घासक कुणा इंडस्ट्रीक एक असो एक प्रोजेक्ट केलेलो आसा जो कॉन्ट्रेक्टर अब्दुल म्हणून आसा ताणें एक हाउस लिफ्टिंग करपा खातीर एक कंपनीक कॉन्टेक्ट केल्लो ती कंपनी म्हणल्यार SSBL बिल्डींग सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेड हांचें काम जें आसा तें ऑल ओवर एशिया चलता बिल्डींग लिफ्टिंग करपाचें आनी हें तेणें गोंयाक हाडलेलें आसा हो प्रोजेक्ट आमचो पयलोच आसा हें जें फस्ट पळयता जें आसा तें आतां ड्रायवर रॅश रूम जो हो रूम जो आसलो तो सकल आसलो आनी हांगा उदक येतालें उदकान तो बुडटालो ताका लागून तांचें एक म्हणणें आसलें की हो रॅश रूम आसा तो डॅमोलीश करचो म्हणून पूण तांकां अशें एक सोल्युशन दिलें की हो रूम डॅमोलीश करपाचो गरज ना हो लिफ्टींग करपाक जाता म्हणून आनी हा लिफ्टींग करपा खातीर एक कंपनी ही कंपनी जी HSBL बिल्डींग एंड सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी जी आसा हे कंपनीन हे प्रोजेक्ट केल्लो आसा आनी ही बिल्डींग जी आसा ती सकल सावन ती वयर काडलेली आसा आनी ती जग लावन ती रोलिंगाची अशी सारकी ओपन हें केलें रोल करून वयर काडल्या आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की ही बिल्डींग जी आसा ती बिल्डींग हांगसान 100 मिटर सुद्दां पयस व्हरून ती परत करूंक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा हो प्रोजेक्ट गोंयाक आयल्लो आसा आनी ताणें हो चालू केल्लो आसा सद्याक चालू केला कुणय केल्लो आसा आनी ताणें तांचें म्हणणें आसा की गोंयाक ते खंय करूंक शकता कैसा टूट गया नीचे तो फाउंडेशन है तो हमने पहले इसमें अंदर से जाके डिगिंग किया डिगिंग करके एक ब्लॉक बनाया 2 फुट का ब्लॉक बनाते हैं उसमें हम जग डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके एक जग यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे ठीक है ऐसे हम जग का पैर बना लेते हैं जग का पैर बना के ऑल हम पैर डाल देते हैं जग का उसके बाद हम राउंडेबल जो करते हैं जग को इक्वल में करते हैं सभी लोग इक्वल से राउंड करते हैं तो ये हल्का हल्का ऊपर जाता है हल्का लोग ऊपर जाए तो हम इसको 1 फीट लिफ्ट करते हैं उसके बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं फिर 2 फीट लिफ्ट करते हैं ऐसे कर करके हमने इसको 5 फीट लिफ्ट कर दिया अब तक क्लियर सर ये रहेगा और न्यू फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं रही बात ये सर आपके बीम्स होते हैं जो पिलर होते हैं इनको भी हम न्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक रोड को 5 फीट का रोड लेकर वेल्डिंग करेगा वेल्डिंग करने के बाद उसमें कॉन्क्रीट मिक्सर डालेगा और एसिडिक न्यू बीम क्रिएट कर देगा सेम टू सेम एज इट इज कोई इशू नहीं होता कोई डैमेज नहीं है नो डैमेज नो टेंशन पे कोई इशू नहीं है एज इट HSBL जो बिल्कुल प्रॉपर वर्क एंड क्लियर वर्क करता है वही बिल्डिंग वही रही है बिल्डिंग सेम एज इट सेम टू सेम है कोई इशू नहीं हुआ सर उसके बीम ही ऊपर निकल ये 5 फीट लिफ्ट हो गया एक किस्म से मैजिक हुआ है 5 फीट लिफ्ट यहाँ के लोगों को गोवा के लोगों को नहीं पता था कि लिफ्ट भी होता है गोवा के लोग क्या करते हैं डिमोलिश कर देते हैं बिल्डिंग को कि हाँ हमारा बिल्डिंग डाउन चला गया रोड लेवल से डाउन चला गया तो डिमोलिश कर देते हैं तो उसमें क्या रहता है उनका 100% लॉस हो जाता सर इसमें हम लोगों ने जो हम मैजिक कर रहे हैं सर ये इसी वे में कर रहे हैं कि लोगों का थोड़ा पैसा बच जाए कॉस्ट भी कम आएगा 25% आता है अगर एक बिल्डिंग न्यू क्रिएट करने में 100% आता है तो सर इसमें 25% कॉस्ट आता है ओनली थोड़ा हमारा लेबर चार्ज रहता है थोड़ा मटेरियल रहता है और बिल्डिंग आपका रोड लेवल से अप हो जाता है तो उसमें आपको बेनिफिट्स रहेगा नो आई एम द पायनियर इन दिस काइंड ऑफ वर्क दैट इज हियर वी आर लिफ्टिंग द बिल्डिंग with new technology and you know this building was just at ground level and we need to repeat it around 1.8 meter from the ground because this ground we are going to make it for by filling parking purpose so it became the necessity to lift the building and yeah and we are collaborated with Mr. Vishal Rana, he is from though he is from Haryana but they are you know active in Kerala and in South India as well Mangalore yeah they are very experts in this and Goa Tishwaji Krishna Naik Kunaichan.